तो ये है टेक्नो पॉप 9 और यहाँ पर मेरे पास ये रिव्यू के लिए आया हुआ है। और ये फोन है ना सेगमेंट का फर्स्ट 5G फोन है जिसके अंदर आपको NFC भी मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको ऐसे कुछ ऐसे स्टिकर्स मिल जाते हैं जो आप फोन के बैक डिजाइन पे अप्लाई कर सकते हो। अलग से बाय नहीं करना, इसी के बॉक्स के अंदर आया हुआ था। और बॉक्स के अंदर और भी चीजें आती है जैसे इसका कवर और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हर एक यूजर को पहले दिन चाहिए होती है। स्टिकर भी नहीं चाहिए रहते बट आते हैं, काफी अच्छा लगा देख के। और पहले से स्क्रीन गार्ड अप्लाई लग कर आता है। और ये है ना, जब इसका थोड़ा सा मैं कहूंगा इसका नाम है टेक्नो पॉप, ये बेसिकली कह भी सकते हो कि पॉप लाइक डिजाइन मिलता है, पॉपअप हो गया था पूरा। और बॉक्स पे कुछ हाईलाइट चीजें देख रहा था, तो एक तो इसमें डॉल्बी एटमॉस साथ में हाईरेस ऑडियो वायरलेस भी सपोर्ट करता है। और बॉक्स के पीछे देखेंगे तो 12 मंथ्स वारंटी और बाकी सारी चीजें मेंशन करके रखी हुई है। और जब मैं ना इसको लाइक सीधा नहीं ऐसे क्रॉस देखोगे ना, तो ऐसा थोड़ी सी दो आंखें और ऐसा फेस कह सकते हो वो करता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा। लाइक यहां से भी देखोगे तो ये मेरे को ना दो चीजों की याद दिला रहा था, एक तो मिनियन की याद दिला रहा था और एक अपना स्पॉन्ज बॉब है ना उसका याद दिलाता है। बाकी रही बात प्राइसिंग को लेकर, तो ये फोन अराउंड 8,500 के आसपास मिल जाएगा ऑफर लगा के। 1000 रुपीज का कार्ड डिस्काउंट होगा अवेलेबल, वरना 9500 अराउंड की प्राइसिंग निकल कर आती है स्टार्ट वेरिएंट को लेकर। और देखो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 4GB 64 और 4GB 128, तो 128 की प्राइसिंग 10,000 रुपीज है। तो मेरे हिसाब से 500 एक्स्ट्रा देके 128 वाला वेरिएंट थोड़ा सा ज्यादा सेंस बनाएगा। बाकी एक चीज मैंने और देखी, ये 4GB रैम के साथ में आता है जो बॉक्स पे मेंशन है, पर यहां पर आपको वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिलता है जिसकी वजह से प्लस 4GB और एड ऑन होता है, मतलब 8GB रैम में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस प्राइसिंग पर है, मतलब 8,500 अगर कार्ड डिस्काउंट के साथ मैं देखता हूं, तो वहां पर बैक साइड का डिजाइन, मतलब थोड़ा सा जो बैक पैनल मैटी देखने मिलता है वो काफी ज्यादा सॉर्टेड और प्रीमियम लगता है। कैमरा मॉड्यूल का भी डिजाइन भी काफी अच्छा प्रीमियम निकल कर आता है। साइड के जो फ्रेम आते हैं प्लास्टिक की, बट वो भी अच्छे देखने मिल रहे हैं। इन हैंड फीलिंग तो मैं कहूंगा काफी अच्छा डिजाइन टेक्नो ने बना के रखा हुआ है, इस बात को तो सारे पॉइंट आते हैं। और नीचे की तरफ 3.5mm जैक का पोर्ट भी है, तो आप ईयरफोन वगैरह भी लगा सकते हो। और इन हैंड फीलिंग पे भी कोई ज्यादा ऐसा हैवी नहीं है, वेट भी अच्छा निकल कर आता है, मोटा भी नहीं है, हाथों में कंफर्टेबल भी लगता है। सामने से देखते हो 8,500 की अगर प्राइसिंग के हिसाब से, तो बेजल्स भी अच्छे देखने मिल रहे हैं, मतलब ज्यादा मोटे नहीं है। बाकी इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, मतलब दो सिम कार्ड लगा सकते हो या फिर एक सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड, जिसके अंदर आपको NFC भी मिलता है और साथ में IR रिमोट मिलता है, बेसिकली IR ब्लास्टर भी मिलता है। और साथ में IP54 की रेटिंग भी है, तो पानी के छींटे वीटे आराम से झेल लेता है। नेक्स्ट अगर पावर देखोगे ना, तो इसके अंदर है Dimensity 6300 प्रोसेसर और ये TSMC बेस्ड प्रोसेसर है। एंड्रॉइड स्कोर निकाले तो 4.25 लाख के आसपास तक के स्कोर देखने मिले मुझे। और LPDDR4X रैम है और जहां पर रैम एक्सपेंशन ऑप्शन भी मिलता है। UFS 2.2 की स्टोरेज है और भाई 8,500 के अंदर ये काफी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि यहां पर मैंने मोस्ट ऑफ ब्रांड को eMMC स्टोरेज देते हुए देखा है और यहां पर UFS 2.2 है जो मोस्ट ऑफ 20,000 के आसपास वाले फोन्स है या 15,000 के आसपास भी उनमें देखने मिलता है। CPU थ्रॉटल भी अच्छा निकल कर आता है स्कोर। और बैटरी डाली इन्होंने 5000 mAh। रही बात बैटरी बैकअप को लेकर, तो इतना तो श्योर है एक दिन तक का, इवन एक दिन के ऊपर का भी बैटरी बैकअप आपको इसमें आराम से मिल जाएगा। बाकी बैटरी में थोड़े से ऑप्शन आते हैं, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड जिसकी वजह से आपकी बैटरी थोड़ी सी और लंबा चलेगी। और देखो बाकी इस फोन पर आप अपना नॉर्मल कैजुअल टास्क 8,500 के हिसाब से, इवन 10,000 के प्राइसिंग के हिसाब से जज करते हो तो वो आराम से रन कर पाओगे, मतलब इतना कोई ज्यादा मेजर चीजें नहीं है। UI हैंडल कर लेता है, एप्लीकेशन वगैरह भी अच्छे से ओपन हो जाती है। और रही बात इस पर अगर आप नॉर्मल गेमिंग कोई भी फोन करना चाहते हैं जैसे सबवे सफर बाकी जितने भी गेम्स आते हैं वो आप इजीली कर पाओगे, बट रही बात BGMI पर, तो वहां पर स्मूथ पर 40 FPS अनलॉक करके देखने मिलता है। और रही बात नेक्स्ट अगर UI देखते हो, तो एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट है और जो हाई OS 14.5 के साथ में आता है और इस पर आपको है ना 4+ lag फ्री परफॉर्मेंस मिलता है। बाकी UI की एनिमेशन अगर देखते हो, तो स्क्रोलिंग वगैरह हो गई या फिर किसी ऐप पे लॉन्च करना हो गया, तो 120Hz यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से प्लेबैक में कह सकता हूँ मिल जाता है। कुछ स्पेशल फंक्शन फीचर मिलते हैं जैसे कि डायनेमिक पोर्ट मिलता है, फ्लोटिंग विंडो मिल रहा है आपको, स्मार्ट पैनल ऑप्शन है, गेम मोड आता है, साथ में स्मार्ट हब है और ऐप ट्विनिंग भी मिलता है, साथ में एक और किड्स मोड भी मिलता है और एक और चीज AOD भी मिलती है यहाँ पर आपको। और AI में यहाँ पर है ना टेक्नो का आता है Ella, जो जिसके अंदर आपको Ella वॉइस मिलती है और साथ में Ella ट्रांसलेट मिलता है और साथ में AI वॉलपेपर जनरेटर भी अवेलेबल है। और रही बात मेन कैमरा, यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है जो सेगमेंट में फर्स्ट है, जो सोनी IMX582 सेंसर के साथ AI कैमरा निकल कर आता है और जिस पर आपको 10x का डिजिटल जूम भी मिलता है। और सेल्फी में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिलता है और साथ में ये है ना डुअल कलर टेम्परेचर फ्लैश भी अवेलेबल है। तो जिस प्राइसिंग पर ये अवेलेबल है ना, तो 8,500 या 10,000 की प्राइसिंग अगर आप देखते हो तो सैंपल्स अच्छे इनफ निकाल लेता है। आपके जो फोटो कंडीशन है, जिस इन्वायरमेंट में आप फोटो खींचना चाहते हो, वो वहां पर फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से जितना मैंने चेकआउट किया है वो काफी अच्छी तरीके से निकल कर आ जाते हैं। अगर मैं प्राइस
सेगमेंट के हिसाब से जज करता हूँ, तो जिस पर आपका मेन कैमरा हो गया, आपका नाइट शॉट हो गया या फिर आपकी जो सेल्फीज हो गई, वो अच्छी इनफ तरीके से निकाल लेता है। और वीडियो के अंदर आपको है ना 2K 30 FPS मेन कैमरा से भी इवन और फ्रंट कैमरा से भी 2K के अंदर आप शूट कर सकते हो, तो ये भी काफी कूल फीचर निकल कर आता है। और जैसे कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स आप ले सकते हो, वो भी अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। सुपर नाइट मोड ऑप्शन अवेलेबल है, एक व्लॉग मोड अवेलेबल है, और इवन स्लो मोशन वीडियो भी निकालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। टाइम लैप्स हो गया, डुअल वीडियो हो गया और एक्सेट्रा, और भी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, इवन कैमरा फीचर्स मिल जाते हैं। तो मेरा जितना इसके साथ में अगर मैं कहूंगा बात टेक्नो पॉप 9 को लेकर, 5G फोन जो बेसिकली है, यहाँ पर काफी अच्छा एक 8,500-9,000 इवन 10,000 का अगर मैं पकड़ के चलूं तो भी वहां पर अच्छा निकल कर आता है। और अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हो तो जो भी बाय लिंक होगा वो सारा ऑप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, वो आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको लगता है कि कुछ और जानना है तो कमेंट कर लेना, उसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, ये एक और वीडियो है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, और सब्सक्राइब नहीं मारा तो सब्सक्राइब मार लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।